नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े और लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज वाकई जब राम मंदिर की जोरदार तैयारियां चालू हो रही है, तीन राज्यों की जीत का खुमार बीजेपी के सर पे चढ़ के बोल रहा है, संसद में से 143 लोग भगा भी दिए तो भी दादागिरी के साथ बाकी बिल पास करने का जो एक दंभ है, उस पे उस लहर पे बीजेपी बड़े आराम से देश में इस बार 400 पार का नारा लगा रही। लेकिन आज सुबह एक ट्वीट आता है और ट्वीट के बाद खबरों का अंबार लग जाता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू करने वाले हैं। 6200 किलोमीटर, 14 राज्य, 14 जनवरी मकर संक्रांत के दिन सूर्य मकर राशि में जाता है और फिर सूर्य का यह भ्रमण किसको जीवदान देगा और किसको जलाएगा, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। राहुल गांधी की ये यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है, मुंबई में समाप्त होगी। सब लोग राहुल गांधी की यात्रा के विषय क्या होंगे, हम भी सुबह से इसी पे विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन आज हिट में बीजेपी के इस पूरे मंसूबे को बुरी तरह से हिट करते हुए मुझे राहुल गांधी दिखते हैं, क्योंकि दूसरी यात्रा जो है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय खड़ा कर गई। राहुल गांधी जो पप्पू थे, राहुल गांधी जो ड्रगिस्ट थे, राहुल गांधी जो सोने का चम्मच लेके आए थे, परिवारवाद के द्योतक थे, राहुल गांधी को क्या नहीं बोला, भगोड़ा भाग जाता है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। राहुल गांधी ने किसी का जवाब नहीं दिया। याद कीजिए वो वीडियो, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकालेगा, क्या मजाक उड़ता था। प्रधानमंत्री स्वयं कहते थे कि राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में पाइन एप्पल होता है, वो नॉर्थ ईस्ट के एप्पल को लंदन में बेचने की बात करते हैं, हालांकि राहुल गांधी ने पाइन एप्पल ही कहा। लेकिन जब आदमी का नाम खराब होता है, हर आदमी उसके नाम से चीजें बेचना शुरू कर देता है और भाजपा और संघ और ये पूरा जो रणनीति है, इनकी बेसिकली रणनीति यही है कि झूठ बोलो, ताकत से बोलो और बार बार बोलो। अब जब राहुल गांधी राजनीतिक परिदृश्य से बिल्कुल हटाए गए थे, कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में थी और अब लग रहा था कि अब इस देश में कुछ नहीं होता, मोदी जी अपने हिसाब से आने वाले कई सदियों तक यही रहेंगे, ऐसे में चुपचाप राहुल ने जो यात्रा शुरू की, पहली भारत जोड़ो यात्रा, तमिलनाडु से शुरू की, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। जब यात्रा शुरू की तो लोग हंसने लगे, उनके जूते की कीमत से लेके उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब वो यात्रा एक जनसैलाब में परिवर्तित हुई तो फिर बीजेपी को परेशानी शुरू हो गई। कर्नाटक की अभूतपूर्व सफलता कांग्रेस को विधानसभा में राजीव गांधी की यात्रा की देन है, क्योंकि संगठन ने राहुल गांधी के उस सभाओं को मतों में परिवर्तित कर सीटें बढ़ाने का काम किया। तेलंगाना में भी कांग्रेस के नेताओं ने उस भीड़ को अपना मतदान कराने में परिवर्तित किया। लेकिन अघंट भ्रष्टाचार से नीचे डूबे हुए और अहंकार की चर्बी से मोटे हुए बघेल को अपने पे विश्वास था। कमलनाथ और उनके बेटे ये सरकार बनाने में व्यस्त थे, प्रचार छोड़। अशोक गहलोत सचिन पायलट से लड़ने में मस्त थे। राहुल की इन तमाम तीन राज्यों की भीड़ मतदान में परिवर्तित नहीं कर पाई और बीजेपी तीनों राज्य में सत्ता पे आई। CWC में खूब वाद विवाद हुए,
सवाल जवाब हुए, आरोप प्रत्यारोप हुए और आखिर में यह तय हुआ कि राहुल जी दूसरी यात्रा करेंगे। कांग्रेस को लगता है कि फिर यदि जीवन उनको दान चाहिए तो राहुल की यात्रा करनी होगी। अब सब राहुल के विषय कौन होगा क्या होगा, लेकिन हमारी नजर न्यूज लॉन्चर की, हमारी रिसर्च टीम जो राहुल की जो इस दूसरी यात्रा की मैनेजमेंट की जो लोग है उनसे बात करके जो निचोड़ निकाला वो ये है कि ये राहुल की यात्रा उन 224 लोकसभा सीटों पे बीजेपी को तकलीफ देगी। इस 224 में से 136 सीटें भाजपा के पास है। राहुल गांधी की यात्रा यदि इस 224 सीटों में से जो 136 बीजेपी के पास है उसमें से 20-25 सीटें भी झटक ले, हमारा आकलन तो है कि करीब करीब 50-60 सीटों का झटका होगा। इन तीन राज्य जो बार बार हम कहते हैं कि बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, ये तीन राज्य बीजेपी को 230 पे ले आएंगे और इन्हीं राज्यों में राहुल की जो यात्रा है इससे और 20 सीटों का फर्क पड़ गया तो क्या फिर ये 200 पे अटकेगी, सवाल ये। उसमें वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के 42 सीटें हैं, बिहार की 40 सीटें हैं, झारखंड की 14 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और महाराष्ट्र की 48। ये 136 का जो आंकड़ा है ये तब है जब बिहार में नीतीश बाबू का हाथ में हाथ पकड़कर बीजेपी चुनाव लड़ी। आज नीतीश बाबू उनके सामने ताल ठोक के खड़े हैं। नीतीश, लालू और कांग्रेस, इन तिकड़ी ने बीजेपी को बिहार में सिंगल डिजिट पे अभी लाके खड़ा किया है। वो भरकस प्रयास कर रहे हैं कि हम क्या करें। बंगाल में ममता ने हुंकार भर लेफ्ट और कांग्रेस के सहारे बीजेपी को बंगाल से खदेड़ने का प्रण लिया है। ये बात अलग है कि अमित शाह जाके अभी 35 सीटों का बोल के आए, लेकिन जो 18 उनके पास थी वो भी रहेगी कि नहीं रहेगी ये विभिन्न सर्वे बता रहे हैं। झारखंड, सोरेन साहब, हेमंत सोरेन ईडी से, सीबीआई से लड़ रहे हैं, बीजेपी के शिकारियों से लड़ रहे हैं जो आए दिन उनके एमएलए और कांग्रेस के एमएलए को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इस को यदि बल देना हो तो राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में यदि भीड़ खींचती है तो इसको झारखंड में भी जेएमएम को बहुत बड़ा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की कमलनाथ से ठन गई हो, लेकिन अखिलेश और उनके कुनबे की तरफ से बार बार इस बात का इंडिकेशन क्लियरिटी से दिया जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। कांग्रेस का मत प्रतिशत उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, 2.25% के आसपास, लेकिन राहुल की यात्रा इस 2.25 को बढ़ा भी सकती है और उत्तर प्रदेश में जो लोग फेंस सीटर है उनके सामने यदि समस्याओं को सही रखा जाए तो फिर बीजेपी के उत्तर प्रदेश भी तकलीफ वाला राज्य हो जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ लड़के बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें ली थी। इस बार शिवसेना जिसके सिर्फ एमएलए है लेकिन मतदाता नहीं वो बीजेपी के साथ है, जिसके पास एमएलए नहीं लेकिन मतदाता है वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे, यदि इन तिकड़ी को राहुल गांधी के इस यात्रा से तड़का लगता है तो वहां पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कुल मिला के भाजपा को भी अपनी 136 सीटों को बचाना अनिवार्य होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीए और एनडीए में जब हम कंपेयर करते हैं तो यूपीए जब जब नॉर्थ में कमजोर पड़ती तो दक्षिण भारत में उसे अच्छा समर्थन मिलता और वो सत्ता में बनी रहती, जब दक्षिण भारत में नहीं होता तो उत्तर भारत में मिलता। भाजपा सिर्फ नर्मदा के ऊपर है, नीचे कर्नाटक में थी वहां पे भी अब नहीं के बराबर है।
तो भारतीय जनता पार्टी को जहां अभी वो है वहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। जितनी राजस्थान में सीटें थी सब उनकी है, अब वहां सरकार आने से सीटें बढ़ेगी नहीं, तो जो सीटें हैं उन्हें बचाना अनिवार्य है, तब जाके 277 पे वो पहुंच सकते हैं। लेकिन गड्ढा यूपी बिहार और बंगाल में दिख रहा है, गड्ढा महाराष्ट्र में दिख रहा है, और इस गड्ढे को वो पाटने का प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो दो इस गड्ढे को और गहरा करने जाने वाली है, इतना निश्चिंत। इसी कारण से बीजेपी भले ही अपने आप को राम मंदिर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को पूरे चुनाव में कैश करने की योजना बना रही हो, लेकिन उस योजना के आगे जब 136 सीटें उनकी परेशानी में दिखाई देगी तो फिर उन्हें नया कोई काट ढूंढना होगा। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा का काट है नहीं, क्योंकि बीजेपी में अब ऐसा कोई बचा नहीं जो राहुल गांधी के बराबर यात्रा कर अपना वजूद और लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता खींच के दे। हमने कई जगह देखा है कि प्रधानमंत्री के रैली के लिए भी सर्कुलर्स निकलते हैं कि शिक्षकों को लेके आओ, बसों लगाई जाती है कि गांव से लोग लेके आओ। राहुल गांधी तो इनमें जहां जा रहा है वहां पे, खासकर उत्तर प्रदेश में, उनकी यात्रा को कितना समर्थन मिलता और सरकार उनकी यात्रा को रोकने का कितना प्रयास करती, ये देखने वाला होगा। लेकिन जितना सरकार अड़ंगा लगाएगी उतने राहुल बड़े नेता के रूप में प्रस्तापित होंगे। कुल मिला के राहुल गांधी की यात्रा 136 सीटों पे डकैती तो साबित नहीं होगी यूपी की, ये बीजेपी की, तो बीजेपी अपनी सीटें कैसी बचा पाएगी, राहुल गांधी की यात्रा को कितना बदनाम करेगी, ये देखने वाला है। क्योंकि बीजेपी एक काम जरूर कर सकती है, वो किसी को किसी के लिए काम नहीं कर सकती, किसी का भला नहीं कर सकती, हाँ किसी को बदनाम जरूर कर सकती है, जैसा जवाहरलाल नेहरू से लेके महात्मा गांधी तक और राहुल गांधी से लेके तमाम नेताओं तक, शरद पवार तक, सबको बदनाम एक लाइन से करते हैं, जो हमारे साथ नहीं वो चोर है और हमारे चोर भी सबसे बड़े देशभक्त हैं, ये बीजेपी का टैगलाइन। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।